किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के तत्वाधान में किसानों ने जाखल कुला मार्ग पर तलवाड़ा गांव में जाम लगाया। वहीं पराली जलाने पर किसानों पर किए मामले दर्ज में उन्होंने वापस लेने की इसको मांग की है। किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के तत्वाधान में पराली जलाने पर दर्ज किए मामले को लेकर गांव तलवाड़ा के किसानों व महिलाओं ने जाखल कुला मार्ग पर गांव तलवाड़ा में सड़क के बीचों बीच बैठकर जाम लगाया और हाथ में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे किसानों पर पराली जलाने के जो मामले दर्ज किए गए उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग की है। जाम लगने के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर जाखल के नायब तहसीलदार पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। किसानों ने चेतावनी दी, जब तक प्रशासन उनकी मांग को पूरा नहीं करता तब तक उनका जाम जारी रहेगा। वही किसान जग्गी महल ने बताया कि पराली जलाने पर कृषि विभाग की तरफ से किसानों पर मामले दर्ज किए हैं जो कि नाजायज है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आकर कोई आश्वासन नहीं देते या जब तक किसानों पर पराली जलाए जाने के मामले रद्द नहीं करती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। फिर नशा बेचा जाता सारे इलाके चिट्टा फेर आता जे तो एसपी हिस्सा जाता चिट्टा फेर बिकता तो सरकार के नुमाइंदे हिस्सा जाता ता नशा बिकता है। यह नशा गली बात नहीं बिकता, तुम नशा ही फड़ लो। सारू किसानों फड़न वास्ते लगे हो तुम, कोई तो शर्म कर लो। ये किरत करने वाले लोग है, दसा नौ की किरत करते हैं, तुम इन वाल आते हो। हुण टाइम बदल गया, किसान ने डांग चक के लड़ना सीख रहा है, किसान तगड़ा हो रहा है। यह सरकार हार रही इतों का किसान जितेगा, इधर का माहौल बन रहा है। बस मैं पुलिस को देख के डरे नहीं, उसका छाती चौड़ी हो कि पुलिस आगे मेरी हिफाजत करेगी। तो सवाल उठते रहते हैं, ज्यादा गहराई में ना जाके बस एक बात बतानी थी आप लोगों को। मैं अधिकारियों को गुजारिश करता हूं कि वो आए और जनता के सामने अपनी बात रखें। मैं डीएसपी साहब को निमंत्रण करता हूँ। किसान नेता लाल सिंह अपनी समस्या बताते हुए मशीन दे दो नहीं आग मशीन दे दो, आग नहीं लगावांगे, जो मशीन नहीं मिलेगी तो आग लगेगी। लिखित में मैंने 3 साल से लगातार प्रशासन से कई बार भेंट की है। अब तो मौके पे जो तहसीलदार साहब खड़े हैं, आ रहे तहसीलदार साहब, आपको पता ही भी कितनी मशीनें दे रखी इलाके में। हमने हर बंदे को इम्प्लीमेंट दे दिया, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा है। उसके बाद हमने अब जुलाई में फिर एप्लीकेशन हमने मांगी थी किसानों की, जो अपने पराली पर 15 वाले 9,000 की थी, जिसमें SMS है, अपना सुपर सीडर है, एपी सीडर है, और मल्चर है, चॉपर है, कटर है, सर्व मास्टर है, और जीरो ड्रिल है। ये नॉन इम्प्लीमेंट थे जी। उसकी जिन भी बंदों ने उनका इम्प्लीमेंट के लिए हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन किया था, हमने सबको दे दिया, कोई नहीं छोड़ा। सर एक मिनट मिल जाए, मैं समझ गया बात आपको, कि वो हमारे पास पैसे नहीं है इतनी महंगी मशीन। आप बात को जा रहे हैं हम कह रहे हैं सरकार हमारे को प्रबंध करके दे, हम पराली जलाएंगे। हमारे पास पैसे होते हैं, पराली फटके बेक मानते हैं। हम आपकी पंचायत के पास 600 रुपए कहां भेज रहे हैं? पंचायत के पास 1 इम्प्लीमेंटर 3,000 एकड़ पे 1 इम्प्लीमेंट चल जाएगा। जवाब दे दो, गेहूं मेरे असली ने हक नहीं लाई, 100 रुपए किला करे थी तुसी सानू दिता जून च बेची हुआ जरा 100 रुपया जून च देना कितना भी किसी ने 100 रुपया बोनस दिता जे नहीं दिता तो हाथ ऊंचा कर दो, मैं छोटी जूती मेरा सिर दसो दिता। आप रिटर्न में ले गए।
श्रीमान जी निवेदन मान्यवर यह है कि ब्लॉक जाखल के किसानों के पराली के समाधान के लिए प्रत्येक गांव में लगभग 10 तक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं। इसके लिए 25 गांव में किसान प्रशासन से निवेदन करते हैं कि 28 अक्टूबर 2020 तक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं, वरना किसान मजबूर है इस पराली को आग लगाने के लिए और ये पराली इस करके 28 के बाद में आग लगानी पड़ेगी। खिलाफ पहला प्रस्ताव जाखल रतिया सासे एरिया पहले नंबर से पाया, बहुत बहुत धन्यवाद करता किसी ने किसी प्रकार की कोई गलत शरारत या चोरबाजी नहीं करनी, क्योंकि जोश होंगे जोश वकीला होंगे युवा जोश है, मानते हैं किसी ने किसी प्रकार की गलत उस आवाज कह के लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद। रोकना खुला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश।